भाई आज आपको हम ऐसी जगह का विजिट कराने के लिए लेकर आए हैं कि जहां पर जो है इन्वेस्टरों ने काफी इन्वेस्टमेंट करके ना बहुत अच्छा प्रॉफिट हासिल कर लिया है। ये एक छोटा सा सेक्टर है, यहाँ टोटल अगर हम प्लॉट की बात करें तो केडीए ने यहाँ पर 244 प्लॉट जो है वो सिर्फ अलाट किए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वारिस एस के ऑफिशियल। और आज को आपको खुशामदीद कहते हैं वारिस एस के ऑफिशियल में। आज आपको हम ऐसी जगह का विजिट कराने के लिए लेकर आए हैं कि जहां पर जो है इन्वेस्टरों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट करके ना बहुत अच्छा प्रॉफिट हासिल कर लिया है। तो आज आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो चाहते हैं कि आज इन्वेस्टमेंट करके कल बहुत अच्छा प्रॉफिट हासिल करें, और जो रिहाइश करने चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन सेक्टर का विजिट जो है ना करवाने के लिए लेकर आया है आपका भाई। हमारे साथ जो असफर भाई हैं तो सारी डिटेल वही बताएंगे। अभी जो है सबसे पहले आप लोगों से बात करते चलें इस हवाले से कि आज सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो है बहुत मोहब्बत दिखाई वीडियो में और बहुत जो है सपोर्ट कर रहे हैं हम सबको। तो इसी तरीके से ये मोहब्बत भी बनाए रखें, और 1000 सब्सक्राइबर भी होने वाले इंशाल्लाह, उस पर भी देखेंगे, छोटा मोटा कुछ इवेंट होगा तो वो करेंगे। और बाकी जो मामलात हैं वो असफर भाई से पूछते हैं यहाँ के हवाले से, इस सेक्टर का सारा जो है ना कहाँ पर है, कहाँ पड़ता है, कहाँ से करीब है, सारी डिटेल जो है असफर भाई बताएंगे आपको। तो अभी बुलाते हैं असफर भाई को टाइम जाया के बगैर। असफर भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं वारिस भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। असफर भाई आप बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक काम कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठीक ठाक वारिस भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, आप बताएं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। असफर भाई, असफर भाई आज हमें आप कौन सा सेक्टर जो है विजिट कराने के लिए लेकर आए, कौन सी कैटेगरी है यहाँ पर, ये बताएं हमारे देखने वालों को। वारिस भाई इस वक्त हम जिस सेक्टर में मौजूद हैं, आज जिसका हमने फैसला किया है कि हम इस सेक्टर को जो है डिफ़ाइन करें, इसको जो है लोगों को बताएं इस सेक्टर के बारे में, ये एक ऐसा सेक्टर है जहां इन्वेस्टर्स की बात हम करें, लोगों ने बड़ा पैसा इसमें सेक्टर में लगाया है और लाखों रुपए का इससे जो है फ़ायदा उठाया है। तो यहाँ सिर्फ जो कैटेगरी की अगर हम बात करें, यहाँ 400 गज की कैटेगरी है, केडीए का सबसे बेहतरीन सेक्टर है आने वाले वक्त का, जिसके दो साइड पे जो है हमारा 90 मीटर रोड लग रहा है, एक फ्रंट पे लग रहा है और एक साइड में, दो तरफ इसका 90 मीटर रोड लग रहा है। और यहाँ अगर हम टोटल, ये एक छोटा सा सेक्टर है, यहाँ टोटल अगर हम प्लॉट की बात करें तो केडीए ने यहाँ पर 244 प्लॉट जो है वो सिर्फ अलाट किए हैं। ये तो बहुत ज़्यादा छोटा सेक्टर है, बहुत छोटा सेक्टर है, और ये एक खूबसूरत जो है ना सेक्टर है, यहाँ पे अगर आप रिहाइश करना चाहते हैं तो बेझिझक होकर यहाँ पर आप रिहाइश भी कर सकते हैं। सही। अच्छा असफर भाई, रिहाइश के हवाले से आपने बात की है तो उसके मुतालिक सवाल करता चलूँ कि रिहाइश करने वाले आपको पता है सबसे पहले ये पूछते हैं कि यूटिलिटीज़ क्या मौजूद हैं यहाँ पर, तो आप बताएँ यहाँ के सेक्टर में क्या क्या चीज़ें मौजूद। वारिस भाई यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पानी मौजूद है, यहाँ पर सेवरेज का आपका निज़ाम प्रॉपर डला हुआ है, यहाँ पर आपका गैस मौजूद है, और यहाँ पर आपकी जो लाइट है वो अभी फ़िलहाल कुंडे की है कि इलेक्ट्रिक के, यहाँ पे जाहिर सी बात है आबादी के साथ जो है ना सिस्टम होता है सारा। तो गैस की अगर हम बात करें, ये सामने आपके गैस का मीटर भी लगा हुआ है, ये अगर आप फाइव एफ में कैमरा आपको दिखाई, सामने गैस का मीटर भी यहाँ पे मौजूद है, लाइट भी आपको यहाँ पे मिली हुई है, तो आपको यानी रिहाइश के लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा असफर भाई, ये तो वाकई बिल्कुल जो हमारे आँखों देखे बात है, हम वो करेंगे कि गैस के मीटर भी यहाँ सामने लगे हुए हैं हमारे, और इलेक्ट्रिक भी यहाँ मौजूद है, जाहिर सी बात है कुंडे की है वो भी आ जाएगी, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक जब यहाँ रिहाइश हो जाएंगे उसके बाद। किसी को बताएं कि यहाँ पे आपको के इलेक्ट्रिक की जो है ना आपको लाइट मिलेगी, तो ऐसा नहीं है, हम आप झूठ नहीं दिखाते, हम कुंडे की है तो कुंडे की बताएंगे कि यहाँ पे कुंडा जो है आपको लाइट आपको मिल जाएगी, कुंडे की मिलेगी जब यहाँ की पीएमटीएस वगैरह अलग हो जाएगा सिस्टम सारा, तो लाजमी सी बात है के इलेक्ट्रिक ने छोड़ना थोड़ी है, उसने तो मीटर लगाना ही है आपको, वो तो फौरन ही चाहती है मीटर लग जाए उनको, तो खैर आप लोगों को पता है कि मामला बिल्कुल। अच्छा पानी के हवाले से बताएं, पानी का क्या सीन है यहाँ पर, पानी मौजूद है नहीं है? वारिस भाई पानी जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, पानी तो यहाँ पे बगैर मोटर के भी आता है पानी, क्योंकि फ्रंट से ही K3 का कनेक्शन है। अच्छा जबरदस्त। तो यहाँ पे पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पानी जो है बगैर मोटर के भी आता है, और नहीं आता तो लोग खींच के भी भर लेते हैं, पानी की कोई इशू नहीं है, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इस सेक्टर के अंदर मुझे जहाँ तक पता है कि मेरे ख्याल से पार्क जो है एक ही मौजूद है इस सेक्टर के अंदर, तो वो उसका भी विजिट कराएं मुझे, जरा दिखाएं भी। वारिस भाई चलता हूँ, आपको मैं एक बात बताऊँ कि ये सेक्टर
जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस सेक्टर के बारे में हम आपको आखिर में बताएंगे कि ये सेक्टर है कौन सा। सही। तो इसके लिए आपने वीडियो जो है वारिस भाई की लाजमी देखनी पड़ेगी ताकि आपको इस सेक्टर के बारे में जो है पता लग सके। तो ये पहला ऐसा सेक्टर है सुरजानी टाउन का जो अभी तक कब्जे से पार्क है। यहाँ पे इंक्रोचमेंट और इस टाइप का कोई भी सिलसिला नहीं है। यहाँ पे जो पार्क है वो पार्क है, जो मस्जिद है वो मस्जिद है। अभी तक यहाँ पे कोई चाइना कटिंग या कोई इस टाइप का जो है सिलसिला नहीं है। मैं आपको भी चल के दिखाता भी हूँ। और यहाँ पे इस टाइम सबसे मशहूर नॉर्थ कराची के जो हमारे लियाकत भाई हैं, लियाकत भाई फिश मास्टर जो है, वो तकरीबन पिछले 4 से 6 साल पुराने यहाँ पे जो है ना रिहायशी हैं। वो 6 साल से यहाँ पर रिहायश पजीर अच्छा, है, लियाकत भी रह रहे हैं। मैं उनका घर भी आपको दिखाता हूँ और जो है इस सेक्टर का भी आपको विजिट कराता हूँ। वो भी यहाँ पे रिहायश पजीर हैं और एक सुकून वाला एक अच्छा माहौल है, एक अच्छा एनवायरमेंट है, खुली हवा का और एक फिजा का माहौल है। कोई ऐसा नहीं है कि फैमिली घर के बाहर खड़े हो तो कोई नुकसान हो, कोई इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं है। आए आपको चल के मजीद जो है ना दिखाते हैं। तो असर भाई अभी आप कहाँ पर हमें लेकर आए और ये किसके घर के आगे आपने हमें खड़ा किया? वारिस भाई यहाँ अभी जिसका मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि जो यहाँ की मशहूर शख्सियात हैं लियाकत भाई फिश मास्टर जो है, जी जी जी, ये उनका घर है जो उन्होंने खुद इसको डेकोरेट किया है, उसको बनाया है। और ये तकरीबन पिछले मैंने बताया ना 6 साल से यहाँ पर जो है ये रिहाइश पजीर हैं। और इसी घर के आगे ये पूरा वेस्ट ओपन जो है ना, ये पूरा बेल्ट है, वेस्ट ओपन है, प्योर वेस्ट ओपन। और हाँ बिल्कुल प्योर वेस्ट ओपन है। और उसके सामने की अगर हम हमारा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये आपका जो है ग्राउंड की जगह है, इसके बराबर में आपकी मस्जिद आ जाती है। जो बाउंड्री वॉल हुई है मस्जिद की जगह पूरी, जी ये बाउंड्री वॉल मस्जिद की जगह है। और मस्जिद की बाउंड्री वॉल से पहले जो है ये जो है ग्राउंड की जो है ना जगह है। सही है, यहाँ पिच वगैरह भी बने हुए हमें देख रहा है। तो असर भाई सब अब जब इतनी मालूमात यहाँ की हो गई है तो अभी मुझे एक चीज़ ये बताते चलें आप कि यहाँ पर जो है अगर कोई हमारा देखने वाला जी प्लॉट परचेज करना चाहे तो उसको यहाँ पर कितने तक का प्लॉट मिल जाएगा? वारिस भाई इस टाइम यहाँ पर अगर कोई 400 गज का प्लॉट बीच का लेना चाहता है तो यहाँ कम से कम भी अभी इस टाइम 1 करोड़ 15 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक के रेट है। नहीं करें असर भाई इतना सस्ता, मतलब किस तरीके से दे रहे हैं, क्या मामला है भाई? अभी अभी ये इस टाइम जो मिल रहा है आपको ये बहुत मुनासिब कीमत है, ये जो बहुत ज्यादा मुनासिब है। आने वाले वक्तों में अभी कुछ ही टाइम बाद, ज्यादा नहीं आपको बहुत ज्यादा 1 साल अगर बाद आप आते हैं तो आपको शायद इन पैसों में ये चीज ना मिले, कभी भी ना मिले। बिल्कुल ऐसा ही है, तो रिहाइश के करीबी है। अगर कैमरामैन दिखाए सामने पूरी पट्टी जो है आबाद हुई हुई है असर भाई। और दूसरा ये कि अगर हम 11B और 11A की तरफ चले जाएं, 11B में मेरे ख्याल से 400 गज और 600 गज की कटिंग है तो वहां पर प्लॉट की कीमत तो मेरे ख्याल से 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए में पहुंची हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर सुरजानी में आपको इस टाइम 1 करोड़ 15 से 1 करोड़ 25 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पे प्लॉट मिलता है। दूसरी चीज ये कि यहाँ के जितने भी रोड हैं तमाम रोड जो हैं वो 40 फीट के रोड हैं। जबरदस्त भाई, मतलब कोई छोटा रोड नहीं है, सब चौड़ा चौड़ा खुला डुला रोड है। और एक छोटा सा सेक्टर है, एक अच्छा सेक्टर है, एक आबाद सेक्टर है। आने वाले मैं समझता हूँ कि 1 साल 2 साल के अंदर जो है ना ये काफी डेवलप हो जाएगा। अभी काफी यहाँ पे आपके सामने की बात है, ये काफी यहाँ पे ये घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक आगे पीछे यानी कम से कम अभी इस टाइम एट अ टाइम यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 घर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जो दिख रहा है, आप बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। अच्छा असर भाई एक चीज़ ये बताएं कि यहाँ पर अब जैसे रिहाइश कोई कर रहा है तो उनको सबसे पहले तो ये कि कोई किसी चीज़ की परेशानी तो नहीं है कि मामलात ऐसे हों चोरी चकारी के, या उनको कहीं आने जाने में मुश्किलात हो रही हों, मतलब कन्वेंस के हवाले से बताएं ज़रा। हाँ वाजिद भाई यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात चोरी चकारी वाली तो ये तो पूरे जो है ना पाकिस्तान के अंदर ही सिस्टम मौजूद है, या आप कहीं भी चले आप इनसे कहाँ बच सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप अपना ख्याल करें, अपनी सेफ साइड के तौर पे आप हर चीज़ जो है ना वो करें। इस चीज़ पे तो हम कोई गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन ये कि अगर आप कन्वेंस की बात करें तो ये इस सेक्टर की लोकेशन ऐसी है कि ग्रीन बस का आपका आखिरी स्टॉप है, सुरजानी टाउन का आखिरी स्टॉप है। यहाँ से आपका तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है ना ये मौजूद है मेन पावर हाउस स्टेशन जो है ग्रिड स्टेशन, इसके बैक साइड पे। और इस सेक्टर की सबसे खूबसूरती वो 90 मीटर रोड है। इस सेक्टर के जो 90 मीटर रोड पे 400 गज के प्लॉट दिए गए हैं वो इंतहाई खूबसूरत हैं। उसमें आप जो है आगे चल के जो प्लॉट खरीदता है वहाँ चल के हम आपको उसकी लोकेशन भी दिखाते हैं और उसके प्राइस भी आपको बताएंगे। तो वहाँ हॉस्पिटल भी बना हुआ है, वहाँ पे दूसरी चीज़ें आप एक स्कूल का सिस्टम भी बना सकते हो, आप उसको कमर्शलाइज करा के आप उसके शादी हॉल भी बना सकते हैं।
कोई दूसरी चीज़ें भी और सेमी कमर्शियल में भी आप उसको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। और यही रोड हमारा सीधा निकल रहा है आगे, फिर हमारी राइट साइड पे जाने के बाद आपका नोट टाउन, फलकनाथ, ये तमाम सोसाइटीज़ जो है ये यहाँ पर मौजूद हैं। राइट साइड पे इसको गुलशन शराज टच कर रहा है, लेफ्ट साइड पे जो है इसको सेक्टर 5D टच कर रहा है। एंड टाइम पे हम आपको इस सेक्टर का जो है पूरा नाम और इसकी सारी डिटेल बताएंगे। आए आपको अभी हम जो लेके चलते हैं वो 90 मीटर पे, वहाँ चल के आपको जो है मजीद इसकी सारी चीज़ें दिखाते हैं भाई। आज तो भाई अभी हम जो है 90 मीटर के ऊपर मौजूद हैं, जो अभी असर भाई ने आप लोगों को बताया भी है कि जो ये फैज चौक पावर स्टेशन हमारे इस साइड पे है, देख सकते हैं आप, ये पूरा पावर स्टेशन सरजानी का बना हुआ है, ठीक है। और इसी के बराबर में ये जो है 90 मीटर रोड चल रहा है, जिसका अभी जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम तकरीबन चल रहा है। एक रोड हमारा मुकम्मल हो चुका है उस तरफ वाला, जो सामने गुलशन है शहराज को फेस कर रहा है, ठीक है। और ये वाला रोड जो है ये हमारे सेक्टर 5F और 5A को कवर कर रहा होता है। पीछे आप देख सकते हैं ये चौरंगी है फैज चौक की, तो इससे आप अगर लेफ्ट हैंड पे टर्न करते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड पे ये 5F का सेक्टर आ जाता है, इससे आगे वाला सेक्टर 5A का है, और राइट साइड पे जो है ना आपका गुलशन है शहराज स्टार्ट हो जाता है, जो सेक्टर 6 कहलाता है। अच्छा, अब जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रीन बेल्ट पे भी काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। और जो है ना असफर भाई के हवाले से हम असफर भाई से सारी चीज़ें पूछते भी हैं कि असफर भाई क्या देख रहे हैं। असफर भाई बताएं ज़रा, आप यहाँ कहाँ खो गए आते साथ ही? वारिस भाई मैं ये देख रहा था कि माशाल्लाह से हमारे सुरजानी टाउन के अंदर जो है तरक्याती काम काफ़ी स्लो थे, अब यहाँ पे तेज़ी से बढ़ गए हैं। बिल्कुल, और ये रोड जो है कार्पेटेड हो रहे हैं, और ये ग्रीन बेल्ट के अंदर अगर कैमरा आपको दिखाए तो ये अच्छा एक जो है ना ग्रीनरी का हिसाब किताब यहाँ पे चल रहा है, खूबसूरत लग रहा है। तो ये अभी लगा रहे हैं, आने वाले वक्तों के लिए काफ़ी बड़ा जो है ये ग्रीन बेल्ट बनाया गया है। बिल्कुल, इसमें जो है प्लांटेशन जो है खूबसूरती से जो है अभी यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल। अच्छा असर भाई, जैसा कि आपने मुझे बताया था कि अगर कोई यहाँ पर प्लॉट परचेज करता है तो वो या तो हॉस्पिटल खोल ले या हॉल वगैरह खोल ले, तो ये तो आपकी बात मतलब मुझे तो बिल्कुल जायज लगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो उनके आगे एक्स्ट्रा लैंड भी अच्छी खासी दी गई है, तो इस हवाले से बताएं यहाँ प्लॉट कितने का मिल जाएगा? मजे की बात यह है कि हम जिस सेक्टर की अभी बात कर रहे थे वो वारिस भाई ने आपको बता दिया है, वो है सुरजानी टाउन का सेक्टर 5F। और 5F का सबसे खूबसूरत पट्टा जो है ये 90 मीटर रोड का है, जो आपको बेहतरीन लोकेशन पे और मुनासिब कीमत में यहाँ अगर आप प्लॉट लेते हैं, कम से कम यहाँ पे जो प्लॉट की वैल्यू है वो 2.25 करोड़ से स्टार्ट है, 2.5 करोड़ 2.75 करोड़ तक की यहाँ पर जो है वैल्यू अभी मौजूद है, यहाँ पे प्लॉट आपका मिल जाता है इन पैसों के अंदर। भाई मुझे ये बताएं कि आपने जैसे बताया था ग्रीन लाइन का आखिरी स्टॉप, तो किस तरफ पड़ रहा है हमारे देखने वाले को यहाँ दिखा भी दें और बता देगा? अच्छा, ये जो ग्रीन लाइन का जो मैंने आपसे कहा था, ये हमारे सामने जो ये ग्रीन लाइन का स्टॉप है, उसके बाद आपका पावर हाउस ग्रिड स्टेशन आ जाता है, बिल्कुल इसी के बैक साइड पे जो है हमारा सेक्टर ये 5F स्टार्ट हो जाता है। ये लाइन से ये सारा पूरा 5F चल रहा है, सही है। आगे जाके 5F खत्म होता है, इसी 90 मीटर पे फिर स्टार्ट हो जाता है 5A सेक्टर, और 5A सेक्टर भी काफ़ी खूबसूरत है, इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में वीडियो बनाएंगे, जो हमारे उसामा भाई जो है उस सेक्टर को डिस्कवर करेंगे पूरा, आपको एक एक चीज़ उस सेक्टर की अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी सारी चीज़ें वो आपको जो है बताएंगे। अभी हम बात करते हैं सेक्टर के बारे में, तो ये 90 मीटर रोड के जितने भी प्लॉट हैं ये इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई कि ये तकरीबन जो है 2.25 करोड़ रुपए से लेके 2.75 करोड़ रुपए के इस टाइम यहाँ पर ये प्लॉट मिल जाते हैं। सामने अगर कैमरा आपको दिखाए तो ये आपका हॉस्पिटल यहाँ पे सामने मौजूद है, आप कमर्शलाइज सेमी कमर्शलाइज आप हर किस्म का यहाँ पर काम कर सकते हैं। अगर आपने शादी हॉल बनाना है तो आपने इस प्लॉट को जो लीगल तरीका होता है कमर्शियल कराने का वो आपने इसको कमर्शियल कराना पड़ेगा, उसके बाद आप इस पर शादी हॉल बनाएं जो भी सारी चीज़ें वो आप करें। और राइट साइड पे हमारा ये गुलशन शराज लगता है, ये गुलशन शराज सेक्टर है, यहाँ पे भी 200 गज की कैटेगरी है जो हम पिछले वीडियो में, और 120 गज की कैटेगरी उसामा भाई हमारे बना चुके हैं। बिल्कुल, तो यहाँ का जो फ्यूचर है वारिस भाई, ये फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जो भी यहाँ पे प्लॉट परचेज करना चाहता है उसके लिए इन फ्यूचर बहुत उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो बड़ी मुनाफा बख्श होगी। बिल्कुल। अच्छा असर भाई एक चीज़ मुझे ये बताएं, जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में ये चीज़ पॉइंट हाईलाइट किया था कि यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टर आए, सही है, यहाँ पर अपनी चीज़ें परचेस की और उसको सेल करके निकल गए, इन्वेस्टमेंट निकाल के अपने जो प्रॉफिट है, तो अभी भी कोई इस तरीके का चाहे आपके थ्रू या वीडियो के थ्रू आता है तो ऐसी कोई चीज़ मतलब वो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं? अभी भी ऐसा इसमें निचोड़ है वारिस भाई? 110% अभी इसमें प्रॉफिट की जो है ना आप आराम से इसमें प्रॉफिट कर सकते हो। अगर कोई आपकी वीडियो के तबस्सुल से हमारे पास कोई आता है क्लाइंट जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई चीज़ परचेस करना चाहता है, जैसे इन्वेस्टरों का तरीकाकार यही होता है कि हमने एक चीज़ उनको परचेस करवाई, कुछ टाइम बाद उसकी पार्टी अच्छी लग गई, हमने उस चीज़ को सेल आउट कर दिया,
तो बिल्कुल वो लोग आ सकते हैं, हम उनको एक अच्छी ऑथेंटिक चीज़ दिलवाएंगे, मुनासिब पैसों में दिलवाएंगे, ताकि उनको भी प्रॉफिट हो। जाहिर सी बात है, कस्टमर जो है, इन्वेस्टर जो है, उसको प्रॉफिट मिलेगा तो वो आगे भी हमारे साथ काम करेगा, हमारे हमारी चीज़ों पे, हमारे अल्फाजों पे, हमारी बातों पे भरोसा करेगा। तो हम इसके लिए बिल्कुल हाजिर हैं। अगर कोई आना चाहता है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा होगा, असफर अंसारी नाम है, नशेमन स्टेट एंड मार्केटिंग जो है मेरा ऑफिस है, तो आप आ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, इस हवाले से बात कर सकते हैं। हम आपको सेक्टर विजिट करवाएंगे, आपको सारी वैल्यू बताएंगे, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, उसके बाद हम आपकी एक इन्वेस्टमेंट जो आपकी एक रकम है हम उसको लगवाएंगे, उसके बाद आपको उसके ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट जो है गेन करवाएंगे। अच्छा असफर भाई, अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना बता दें, दोबारा बता दें। मेरा नंबर है 03102194126 और अदर नंबर है 03432313834। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आपको कोई गाइडलाइन भी चाहिए हो किसी भी किस्म की, तो आप जो है ईजिली मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो लाजमन जो है ना असफर भाई से कांटेक्ट कर सकता है। असफर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया मुझे और हमारे देखने वाले को टाइम दिया, और कुछ कहना चाहेंगे तो बिल्कुल। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा वाजिद भाई, जैसा कि हम हर वीडियो में बोलते हैं कि जो लोग आज के दौर के अंदर वीडियो हर बंदा बना रहा है, बिल्कुल हर बंदा YouTube पे काम कर रहा है, हर बंदा वीडियो बना रहा है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं आप दूसरों के फायदे के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे ही आप दूसरे की इंफॉर्मेशन के लिए काम कर रहे हैं, आप दूसरे के लिए बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक इसी तरह आपके काम को जो है मजीद आप मेहनत भी कर रहे हैं आपको कामयाब करे। और हमारा जो सपोर्ट है हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, हमेशा करेंगे, क्योंकि आपकी वीडियो के अंदर हमेशा मैंने एक बात कही, फैक्ट हकीकत दिखाई जाती है, तो इस हकीकत से आप लोगों को जो है गाइड करते हैं, तो उनको मेरे हिसाब से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हमारे पास भी कॉल आती हैं तो ये हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है कि हम आपको गाइडलाइन के लिए, आप मुझसे मशवरे के लिए भी कॉल कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल तो ऐसा ही है, लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा कि वारिस भाई को सपोर्ट करें, इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि आपके जानने वालों तक भी इनकी वीडियोज़ पहुँचे, उनको सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है हर बंदे की नीड है आज के दौर में। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारे लोग यहाँ पे इतने जो है दो नंबर मामला चल रहे हैं वारिस भाई के, लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो होती है, लोगों के पैसे जो होते हैं वो बिल्कुल ही जो है ना बेकार हो जाते हैं। तो गुजारिश यही है, सोच समझ के अच्छे रियल इस्टेट एजेंट के साथ आप काम करें, आप पैसों को ना देखें, बस गुजारिश यही है, ताकि आपका जो पैसा है वो सेवन सिक्योर रहे। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, प्यार दिखाया उसका तो मैं बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इसी तरीके से प्यार दिखाते रहें, और सब्सक्राइबर अभी हज़ार हुए हैं, मिलियन करवाएं जल्दी से, ताकि जो है ना और लोगों तक ये वीडियो पहुँचती रहे और वो देखते रहें, क्योंकि मैं सिर्फ आपके वीडियो आपके लिए जो वीडियो बनाता हूँ ज़्यादातर सरजानी की बना रहा होता हूँ, क्योंकि सरजानी में बहुत कम लोग हैं जो वीडियो बना के शेयर कर रहे होते हैं। अब सरजानी वो सरजानी नहीं रहा जो पहले आप लोगों ने देखा था, कब्ज़ा माफिया, ये बिल्कुल हैं कब्ज़ा माफिया वाले हैं, लेकिन बहुत दूर चलेगा, सेक्टर बहुत बड़ा है, 16 तक जा रहा है, तो भाई नादरन बाईपास टच कर रहा है, तो भाई वहाँ पर कब्ज़े माफिया वाले हैं, लेकिन यहाँ जो अभी बेहतरीन प्रोजेक्ट्स या बेहतरीन केडीए की जगह मौजूद है, आप उससे तो फैसिलिटीज़ जो हैं मिल रही हैं आपको, वो अवेल करें आप, तो यहाँ पर आएँ, इन्वेस्टमेंट करें जल्दी से और उससे प्रॉफिट गेन करें, और कोई बनाने के लिए लेना चाहता बनाने के लिए तो वो बिल्कुल बना सकता है, आगे रिहाइश कर सकता है, और आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी 5A के सेक्टर में, इंशाल्लाह उस भाई से कोशिश करेंगे टाइम निकलवाएं और वहाँ की वीडियो बनवाएं। तो जब तक के लिए दें इजाज़त, अपने भाई को ख्याल रखें, अपना भी और अपने करीब भी इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।